प्रदेश में दीपावली का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। उत्तराखंड में भी दीपावली पर खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने इस पर्व को बड़े ही खास अंदाज में मनाया। लेकिन उत्तराखंड में 11 दिन बाद फिर दीपावली मनाई जाएगी, जिसे लोक पर्व इगास बग्पाल बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। इस पर्व को लेकर आयोजक नरेंद्र रतुड़ी ने प्रेस वार्ता कर आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर्व का मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकना है, जिस पर आज का युवा रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। इस पर्व के माध्यम से उनको संस्कृति के प्रति रुझान और रूबरू कराना है। उन्होंने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री द्वारा इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही इस पर्व के लिए गढ़वाल के सभी विधायक अपने क्षेत्रों में इस पर्व में शिरकत करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आप मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि पूरा उत्तराखंड में इगास शब्द से इस दीपावली को, जो छोटी दीपावली और बड़ी दिवाली जो हमने मंगाई है, मनाई है पहले, उसके 11 दिन बाद हमारे उत्तराखंड में पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग मंतव्यों के हिसाब से, कोई बूढ़ी दिवाली बोलता है, कोई इगास के रूप में। मुख्यतः जो है ये प्रचलित शब्द इगास के रूप में 11 दिन एकादश शब्द से इगास बना हुआ है। तो इगास शब्द में जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में इगास को भी भव्य दिवाली के रूप में मनाया।